हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए ज़रूरी है। सो गाइस, आज का वर्कआउट, मतलब आज कोई डाइट वाइट नहीं दिखाने वाला। आज का वर्कआउट मैं अपनी मम्मी के साथ करने वाला हूँ, मेरी जिम पार्टनर के साथ। हाँ, मेरी मम्मी मेरी जिम पार्टनर है। मतलब वो काफ़ी टाइम में उनके साथ वर्कआउट कर रहा होता है या उनको समझा रहा होता है वर्कआउट्स के बारे में। तो और वो ह्यूमन थी या वो लेडी थी मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था लाइफ में वर्कआउट करने के लिए। मतलब उन्हें भी 3-1 साल के आसपास वर्कआउट करते हुए हो गया। उन्होंने मेरे को बोला था कि तुझे भी वर्कआउट करना चाहिए, और उन्होंने मेरे को जिम ज्वाइन करवाया था, जहाँ पे पेरेंट्स मना करते हैं अपने बच्चों को जिम में मत करो इंडियन सोसाइटी में, और उन्होंने मेरे को बोला था कि जिम करो। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ वर्कआउट एक फटाफट मज़ेदार सा कर लेते हैं। तो आप भी देखो और मज़े लो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। देखो वो तो कॉमन चीज़ है, प्लीज़ अब इतना कर दो फटाफट। तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से, तो ठीक है चलो चलते आगे देखते हैं। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't. Toss me out now, hit the ignition. Now you listen. पहली एक्सरसाइज मम्मी मार रही है फ्लाई, सॉरी डबल प्रेस। ज़्यादा प्रेशर नीचे मत लेके जाओ, स्लो स्लो स्क्वीज। लास्ट सेट है, चलो सो गाइस, हम तो एक एक्सरसाइज में थक गए। मतलब एक शोल्डर और एक चेस्ट करे तो अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हुई है, पर फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हुई, इतना थक चुके हैं, पसीना पसीना। सर्दियों में जब पसीना आ जाए तो मतलब आपका वर्कआउट अच्छा हुआ है, और हमारे तो मम्मी का भी पसीना आ रहा है पूरा पूरा, तो वर्कआउट बहुत अच्छा हो रहा है। साढ़े सात की प्लेट निकल के ये हमने 5 kg ग्रिप ले लो अपनी। चलो पीछे जाओ, ग्रिप लो। क्या ग्रिप लोगी? जिस भी ग्रिप, हाँ ये, और थोड़ा सा और क्लोज करो। हाँ चलो उठाओ उठाओ, यहाँ ला रहा हूँ। चलो सब बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it isn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up, up in the window. Smiler and smiler, you fade out. You get it, I get my vibe on this.
जब आपकी कमर हिल रही हो किसी भी एक्सरसाइज में, बाइसेप्स कर लो, कुछ भी जिसमें आपकी बैक यूज होती हो, तो कमर को टिका लो पीछे और ऐसे करो ताकि आपकी कमर ना हिले और जहाँ जिस पार्ट पे आपका आना चाहिए उस पार्ट पे ही आपके वो हिट करे। चलो पूरा टर्न करो, गुड, बहुत बढ़िया। नहीं इतना नहीं, सिर्फ सामने रख के टर्न करो, सामने देखो सामने, अब यही टर्न बस। चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज ये, अब चलो चलो इंक्लाइन डंबल प्रेस चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज। चलो नीचे लेके आओ डंबल, स्लो 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 स्लो, ऊपर स्क्वीज, हाथ सीधे बिल्कुल, चलो ये। अब चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, मम्मी डंबल से मार रही है, मैं रॉड से मारूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इस बार मेरा रॉड था, मम्मी का डंबल करवाया मैंने जानबूझ के, ठीक है, तो मैं रॉड से करूंगा और शोल्डर की भी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी कोर ट्रेन करूंगा और मम्मी को चली जाएगी क्योंकि मम्मी को जाना घर। 6 एक्सरसाइज बहुत है, 24 सेट से ऊपर नहीं करना चाहिए आपकी मसल, वरना रिकवर नहीं कर पाती। अगर कोई बॉडी पार्ट की मसल आप 24 सेट से ज़्यादा करते हो तो मसल रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब तक आप एक प्रो नहीं हो, तो इसे 24 सेट्स इज गुड फॉर बेसिक एंड हेल्दी एक्सरसाइज। चल तो मैं कर रहा हूँ अभी इंक्लाइन, क्या कहते हैं आपकी प्रेस, और मम्मी को कराइए डंबल प्रेस इंक्लाइन। You paint me like an old name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies. You wanted my demise, now you're watching me rise, rise, rise. Mommy, तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हें शोल्डर प्रेस लगानी है। शोल्डर प्रेस डंबल से पता है कैसे लगाते हैं? चलो उठा लो डंबल। नया समझ रखा है? नहीं नया नहीं, तुमको मेरे से ही पुरानी हो। हल्के ले रहा, हल्के में ले रहा। नहीं नहीं हल्के में नहीं ले रहा। चलो आगे, बहुत बढ़िया। अब इसे नीचे, बस इतना ही, और ऊपर क्लोज, बहुत बढ़िया भाई। मम्मी प्रो है हमारी, कुछ भी कर लो। शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज है फ्रंट रेजेस, जिसमें एक हैंड में डंबल होल्ड है। चलो कितने हो गए? 10, 11, हाँ 12, 13, 14, दूसरा हाथ उसे होल्ड करो। चलो दर्द हो गया। हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है ना, होल्ड करो। चलो चलो चलो, बहुत दर्द हो रहा है। कोई नहीं, मैं होल्ड कर रहा हूँ। कोई चलो 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 चलो, उतने ही करना जितने यहाँ से करे। चलो होल्ड रखो ना, ये नीचे क्यों जा रहा है? बस चलो उठाओ डंबल। अमृत मम्मी को डंबल पकड़ा, डंबल पकड़ा, चलो लेके जाओ पीछे। अभी हिप नीचे करो जैसे बताया था, हिप नीचे, ये हिप नीचे, बिल्कुल ये हिप नीचे। चलो बिल्कुल हाफ स्ट्रेट आगे लेके आओ, हाँ पीछे लेके जाओ पूरा, हाँ स्ट्रेच करो, ये स्ट्रेच फील होना चाहिए। चलो पूरे पीछे, बढ़िया था। आज हमने बिगिनर लेवल का वर्कआउट किया ना, अगली बार तुम्हारे साथ करूंगा ना,
एडवांस लेवल का करेंगे। ऑलरेडी एडवांस में ना एक्चुअली इनर कैसे आना मत अगली बार से तो घर जाने लायक आज तुम आज मम्मी के चक्कर में हम लोगों ने भी बिगिनर लेवल का वर्कआउट किया है। अमृत भी एडवांस लेवल का करता है मम्मी, तुम्हारे चक्कर में हमने एडवांस लेवल का वर्कआउट नहीं किया आज, तो अगली बार एडवांस लेवल में शर्त लगाओगी? कांप रहा है शरीर। चलो शर्त लगाओ, अगली बार एडवांस लेवल करेंगे ठीक है। मम्मी का वर्कआउट हो गया, मम्मी तो गई, अब मैं और तू बचे हैं, अब तू और मैं करते हैं ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट ले लिया भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रहा था वर्कआउट, 2 मिनट का रेस्ट लिया और अब फिर से चालू होंगे ये और मैं। इस बार मम्मी के साथ बनाई वीडियो तेरे साथ बनाऊंगा ठीक है, दोनों एडवांस लेवल का वर्कआउट करेंगे। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. तो सर्जरी के बाद तो क्या हुआ था कि मेरी बॉडी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी पूरा पेट वेट आ रखा है, तो यही मेरी 3 मंथ्स की ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें मैं अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया, मेरी मसल लगभग वापस आ चुकी है, बस अब बारी है थोड़ा सा गेन करके फैट लॉस करने की, तो वही चालू है। फरवरी से मेरा 2रा महीना चालू हो जाएगा जिसमें कि हम 3000 कैलोरीज के आसपास खाएंगे जिससे हम गेन करेंगे, तो पेट तो उसमें जाएगा नहीं बट कोर को हम ज़रूर ट्रेन करेंगे। कोर को ट्रेन करने का रीज़न ये रहेगा कि कोर को ट्रेन करने से हमारी मसल अंदर बन जाएगी, फिर जब हम फैट को कट करेंगे तो एक मैच्योर मसल बाहर निकल के आनी चाहिए जितना अभी उम्मीद लगाई है। तो अभी फ़िलहाल वही करें जो कोच ने कहा है जितना तो कोच ने बोला था कि गेन करते हैं 2 महीने और फिर 1 महीना कट करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी गेन भी बहुत जल्दी करती है और कट भी बहुत जल्दी होती है, तो एक अच्छी बात है शायद मेरी बॉडी में क्योंकि मेटाबॉलिज्म मीडियम है। ये लास्ट एक्सरसाइज है डे की और ये शोल्डर के लिए है, हमारे रियर शोल्डर के लिए, तो इसको पसंद करेंगे। 3 सेट कर रहे हैं इसके और पिछली वाली बटरफ्लाई के भी 3 ही सेट किए हैं, क्योंकि हमें 24 सेट के आसपास ही रहना है, 24 से 26 सेट के आसपास ही रहना है, तो इसलिए लास्ट की 2 एक्सरसाइज के हमने 3 सेट किए हैं। ये थी अच्छी एक्सरसाइज सारी की सारी, अब घर जाऊंगा अपनी मील बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। 2 मील रह रही है मेरी, वैसे भी लेट हो गया हूँ 1 मील के लिए, ब्रेड मील के लिए उसमें ब्रेड पीनट बटर और टी लेता हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हूँ बट खानी तो पड़ेगी, गेनिंग चल रही है, छोड़ नहीं सकता कोई भी मील, तो घर चलते हैं फटाफट। सो गाइस मैं घर आ गया था और घर आने के बाद मेरी 2 मील रेडी थी, मैंने दोनों की दोनों मील्स ले ली जिसमें एक एग मील थी और एक ब्रेड मील थी। दोनों मील्स को लेने के बाद अब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, ये वाली आज वाली, तो धीरे धीरे करके आपके पास सारी वीडियोस आती रहेंगी, 10 मिनट 12 मिनट के आसपास सारी वीडियोस को मैं डालता रहूँगा धीरे धीरे। आज हमने वर्कआउट मम्मी के साथ किया था, मम्मी का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मम्मी कहती कि मज़ा आया, और अगली बार ये वाला जो हमने था ये तो हमने बिगनर लेवल का वर्कआउट किया था, अगली बार एडवांस लेवल का वर्कआउट भी करेंगे ताकि थोड़ा सा पता लगे कि किसकी हालत कितनी खस्ता है। तो अभी ये मेरी बॉडी कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, पर अभी दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा एक टाइम के बाद ही आप लोगों को, ताकि एक सस्पेंस और एक मज़ा आता रहे। तो आप लोगों को क्या करना है बस कि मेरी इस सीरीज़ को लाइक शेयर और फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम 7000 सब्सक्राइबर्स के आसपास बहुत ज़्यादा पास है, सिर्फ 20 या 30 सब्सक्राइबर रह गए, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पर डेली की अपडेट्स है, यहाँ तो हफ्ते में 2 वीडियो आती है, वहाँ डेली की अपडेट्स है, तो प्लीज़ वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लो। और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी मैं शूट करने ही वाला हूँ बस, और उसमें मज़ा है, तो चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टाटा टेक केयर।